हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लैसो टूल के बारे में कि लैसो टूल का हम कैसे यूज करते हैं और कैसे किसी जेपैग फॉर्मेट या बीएमपी फॉर्मेट या टिप फॉर्मेट को हम कट आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बॉय की इमेज ऐड कर लेनी है। जैसे ये लड़का है, इसकी इमेज हम ले लेते हैं इस टाइप से, और लड़की की हमने इमेज अगर लेनी है तो यहाँ से हम किसी भी घर की इमेज यहाँ पे उठा के ऐड कर लेते हैं। ये इस टाइप से ये आपकी दो इमेजेस आ गई हैं। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे जाइए, इस पर सेलेक्ट कीजिए इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे सिंपली इस पर यहाँ पे आप जाइए लैसो टूल पे। जब आप लैसो टूल पे जाते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन निकल के आ जाता है। बिफोर अभी आपका ऐसा है, आफ्टर कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा कट करने के बाद इमेज। यहाँ पे आपके पास में मोड होता है सिलेक्ट टूल, ये आपका, और ये होता है आपका मेक लेयर टूल यानी कि पेन टूल का यूज। तो हम ये ले लेते हैं। उसके बाद आइए हम इसको कट करना चालू करते हैं इमेज को। ये आपके पास में ऑप्शन होता है एक्चुअल साइज का, इसको फुल करने का। इसको आप फुल कर सकते हैं इस टाइप से, और फिट इन विंडो में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इस टाइप से कर सकते हैं। और ये आपकी कमांड है इसकी एक्चुअल साइज की, कंट्रोल शिफ्ट F12। ये देखिए, तो अब हमें क्या करना है, इसको जूम कर लेते हैं हम माउस बटन के थ्रू, बीच का रोलिंग जो बटन होता है। हैंड टूल आप शिफ्ट दबाएंगे तो हैंड टूल के थ्रू इसका आ जाएगा ऑप्शन। ये देखिए, अब यहाँ से हम पेन टूल लेते हैं और इसको यहाँ से काटना चालू करते हैं। माउस के सेंटर बटन से आप इसको जूम कर सकते हैं। इस तरह से आपकी इमेजेस ये आ गई है। आपकी जो नोटिंग ख़राब हुई है उसको जूम करके आप ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी नोटिंग ख़राब हो गई थी, यहाँ पे आप जाइए और पॉइंट लीजिए, अपने पॉइंट के थ्रू इसको इस वाली टाइप से। राइट क्लिक करके डिलीट नोट कर दीजिए। ये देखिए, इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हैं। इसको करने के बाद में आप यहाँ पे आफ्टर कर दीजिए। आफ्टर करने के बाद आप क्या देखते हैं, ये आपकी इमेज परफेक्टली कट गई है। ये थोड़े से जो पॉइंट है यहाँ पे जो ये प्रॉपरली नहीं कटी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा बाद में कि कैसे हम इसका को प्रॉपरली और इसमें फैदर वगैरह दे सकते हैं। इसको करने के बाद में इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से जैसे बॉय कट आउट है, बॉय कट आउट में जाने के बाद ये इमेज आपकी सेव हो गई है। ये देखिए, अब ये आपकी इमेज यहाँ बन के आ गई। ये देखिए, हमने ये इमेज यहाँ पे कट हो गई है। बिफोर आपकी इमेज ये थी, देन आफ्टर आपकी इमेज ये कट होके आ गई है। इस तरह आप चाहें तो इस इमेजेस को भी कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया लैसो टूल का यूज। आप इसमें चाहें तो ब्राइटनेस वगैरह भी कर सकते हैं। इनहेंस में जाके ये देखिए, ये आपकी इमेज कट गई, इसमें आप ब्राइटनेस वगैरह भी कर लीजिए इस टाइप से, कर्व कर लीजिए बेशक इसको। और इसको सेव कर दीजिए बॉय कटआउट में वापस। यह आपकी इमेज यहीं पे सेव हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया लैसो टूल का यूज कि कैसे हम लैसो टूल में किसी भी इमेज को कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें क्रोमा काट सकते हैं या किसी इमेजेस के अंदर टचअप कर सकते हैं। ये हमारे पास में कुछ और टूल हैं, क्रोमा, टचअप, हायर, इरेजर वगैरह आदि। तो इसके बाद में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।